तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूपी की 20 बड़ी खबरों में। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की तमाम महत्वपूर्ण खबरें। यूपी सरकार ने 5 बड़ी घोषणाएं की हैं जिसको आपको जान लेना चाहिए। दरअसल बढ़ी हुई बिजली दरों का अब आपको झटका लग सकता है। वहीं पर सीएम योगी ने ठंड और भूख से ना हो कोई भी गोवंश की मौत, इसके लिए भी बड़ा अपडेट सामने लाया है। वहीं 52,000 महिलाओं को बड़ा तोहफा मिलेगा योगी सरकार की तरफ से। पीएम किसान की 2,000 रुपए की किस्त आपको तभी मिलेगी जब आप ई-केवाईसी कराएंगे, और कब आने वाली है किस्त इसके बारे में जानेंगे। इसके साथ ही कृषि मंत्री का भी बड़ा अपडेट सामने आया है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कोरोना को लेकर भारत सरकार अलर्ट है। 24 घंटे में 2,00,000 से ज्यादा कोविड टेस्ट हुए हैं। कितने मामले सामने आए जानेंगे। गरीबों को निःशुल्क राशन वितरण की डेट को निर्धारित कर दिया गया है। वहीं पर अब मुफ्त राशन के साथ फ्री में देखिए टीवी। और स्कूल न्यूज को लेकर भी बड़ा अपडेट है। कौन सा बैंक निजीकरण होने जा रहा है सब कुछ जानेंगे। वेदर को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में 2.8 डिग्री तक लुढ़क गया है पारा। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की तमाम महत्वपूर्ण खबरें और क्या एक बार फिर से प्रतिबंध की तरफ, कोरोना की तरफ बढ़ रहा है देश, जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देख लीजिए कि भारत में बढ़ रहे हैं BF.7 वेरिएंट के केस। अब पश्चिम बंगाल में 4 लोग और मिले हैं पॉजिटिव। भारत में ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BF.7 केस बढ़ने लगा है। गुजरात, ओडिशा के बाद अब पश्चिम बंगाल में भी इस वेरिएंट से संक्रमित लोग पाए गए हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि सभी की हालत स्थिर है। सभी हाल ही में अमेरिका से लौटे थे। सभी की जीनोम सिक्वेंसिंग कराई गई तो इस बात से पता चला कि ये वेरिएंट से संक्रमित हैं। BF.7 भारत में कई केस सामने आ चुके हैं। वहीं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निर्देश है बिजली चोरी को रोकते हुए बुनकरों को बिल में दे सब्सिडी। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को MSME बुनकर योजना के संबंध में प्रस्तुतीकरण का अवलोकन किया और अफसरों को निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा प्रदेश में 2.5 लाख से ज्यादा की संख्या में बुनकर पावर लूम से जुड़े हुए हैं, यही उनकी आजीविका का मुख्य साधन है। हमें इस प्रावधान की प्रोत्साहित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिजली चोरी को रोकते हुए प्रदेश के बुनकरों को बिजली के बिल में आवश्यक सब्सिडी दी जाए। वही सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सीएम योगी बोले ओबीसी आरक्षण लागू करते हुए निकाय चुनाव कराएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय को रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर ट्वीट करके बयान दिया। दरअसल दोस्तों, निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने के बाद योगी सरकार ने राहत की सांस ली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैसले का स्वागत किया है। अच्छा, इसके साथ ही सीएम योगी ने कहा ठंड और भूख से ना हो किसी गोवंश की मौत, गौशालाओं के लिए आत्मनिर्भर बनने का मॉडल बनाया जाए। दरअसल दोस्तों, सीएम ने कहा कि गौशालाओं का निर्माण PPP मोड पर किया जाए, उन्हें नेचुरल फार्मिंग, गोबर, पेंट, CNG CBG से जोड़ा जाए। इससे गौशालाएं आर्थिक रूप से सुदृढ़ होंगी और गायों के रखरखाव एवं पालन पर आने वाला खर्च खुद उठा सकेंगी। वही दोस्तों, जल्द लग सकती है बढ़ी हुई बिजली दरों का झटका, क्योंकि ARR और टैरिफ प्रस्ताव दाखिल करने की तैयारी है। प्रदेश में बीते 3 साल से बिजली दरें नहीं बढ़ी है। दूसरी तरफ बिजली कंपनियों का घाटा साल दर साल बढ़ता जा रहा है। ऐसे में इस बार दरों में औसतन 15-20% की वृद्धि प्रस्तावित करने का विचार किया जा रहा है, लेकिन सरकार की हरी झंडी मिलने पर ही यह फैसला संभव हो सकेगा। उपभोक्ताओं को बढ़ी बिजली दरों का झटका लग सकता है। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने 2023-24 के वार्षिक राजस्व आवश्यकता यानी ARR व टैरिफ प्रस्ताव दाखिल करने के लिए बिजली कंपनियों को 2 माह का अतिरिक्त समय देने से इनकार कर दिया है। वही वेदर अपडेट के बारे में जान लीजिए, क्योंकि गलन भरी ठंड की चपेट में यूपी के अधिकतर इलाके फिलहाल राहत की कोई उम्मीद नहीं है। जारी रहेगा सर्दी का सितम। उत्तर प्रदेश के अधिकतर इलाकों में गलन भरी ठंड का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। प्रदेश में प्रचंड सर्दी से हाल फिलहाल में राहत की कोई उम्मीद नहीं दिख रही। बर्फीली हवाओं से बचने के लिए लोग गर्म कपड़े तो पहन ही रहे हैं, साथ ही सुबह से ही अलाव के सहारे बैठे नजर आते हैं। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत राज्य के अधिकतर इलाकों में गलन भरी ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है, और यही कारण है कि विद्यालय 15 जनवरी तक बंद हो गया है। 3-4 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहेगा। कानपुर, बनारस, गोरखपुर, ये सभी जगह सबसे ज्यादा ठंडे वाले इलाके रहे हैं। प्रयागराज मंडल के तापमान में भारी गिरावट हुई है। ठिठुरन भरी सर्दी से बचने के लिए लोग घरों में दुपक के रह रहे हैं। वही खुश खबरी है, क्योंकि 52,000 ग्रामीण महिलाओं को मिलेगा नए साल का नौकरी का तोहफा, क्योंकि यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार 52,000 ग्रामीण महिलाओं को नए साल पर नौकरी के तोहफे देने की तैयारी में है। राज्य के बाल विकास पुष्टाहार विभाग की ओर से आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को 52,000 नौकरियां मिलेगी। उत्तर प्रदेश की 52,000 ग्रामीण महिलाओं को नए साल पर नौकरी का तोहफा देने के लिए राज्य सरकार ने तैयारी कर ली है। बाल विकास पुष्टाहार विभाग की ओर से आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को अब 52,000 रिक्त पदों पर भर्ती का शासन आदेश जल्द जारी होने के आसार है। अच्छा, अगर आप भी पीएम किसान सम्मान निधि के 2,000 रुपए की 13वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो जरा इस बात को आप ध्यान समझ लें, क्योंकि 13वीं किस्त का इंतजार 2,000 रुपए तभी मिलेगा जब आपकी ई-केवाईसी हो जाएगी। जानिए क्या पूरा प्रोसेस है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ई-केवाईसी की डेट जो अंतिम थी वो 31 दिसंबर थी, लेकिन सरकार ने इस पोर्टल को अभी भी खोला है। ई-केवाईसी आप जाके करा सकते हैं। वैसे आपको बता दें, आपके जिले में भी ई-केवाईसी के लिए कैंप लग रहे हैं, जाके ई-केवाईसी करा ले, क्योंकि 10 जनवरी को आपके खाते में 2,000 रुपए आने वाला है। वही 12वीं किस्त का पैसा जिसके पास नहीं आया और उन्होंने ई-केवाईसी नहीं कराई थी, तो उनका पैसा भी यही ई-केवाईसी कराने पर 4,000 रुपए एक साथ मिल जाएगा।
हालांकि सरकार की तरफ से अभी कोई निर्देश नहीं आया, लेकिन आपको बता दें ई केवाईसी के जरिए ही सभी को पैसे मिलेंगे। भूलेख का सत्यापन भी कराना बेहद आवश्यक है। वही पीएम किसान की किस्त पर कृषि मंत्री का बड़ा अपडेट आया है। इस राज्य के किसानों को अब नहीं मिलेगा पैसा। जी हां, केंद्र सरकार की तरफ से पीएम किसान से हो रही गड़बड़ को रोकने के लिए सख्त कदम उठाया जा रहा है। अगली किस्त पाने के लिए भूलेख वेरिफिकेशन और ई केवाईसी जरूरी है। अगर आपका इनमें से कोई भी चीज नहीं हुआ तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। मोदी सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किस्त किसानों के खाते में जल्द भेजने वाली है। सितंबर में देश के करीब 8 करोड़ किसानों को 12वीं किस्त मिली थी, जिसमें 4 करोड़ किसानों को नहीं मिला था। इसका कारण था भूलेख सत्यापन न होना, ई केवाईसी न होना। हालांकि बहुत से किसानों ने ई केवाईसी कराई थी, फिर भी उनका पैसा नहीं आया। ऐसे में तोमर ने ये योजना में बड़ा अपडेट दिया है। छत्तीसगढ़ के अधिकतर किसानों का अभी तक भूलेख वेरिफिकेशन और ई केवाईसी नहीं हुआ। केंद्र की तरफ से पीएम किसान से हो रही गड़बड़ को रोकने के लिए ये सख्त कदम उठाया जा रहा है। नरेंद्र तोमर ने बताया कि छत्तीसगढ़ में 27 लाख से ज्यादा पीएम किसान के लाभार्थी सूची में सक्रिय हैं और उन्हीं को पैसा मिलेगा। जिसने नहीं कराया वेरिफिकेशन उनको पैसा नहीं मिलेगा। तो कोरोना को लेकर भारत सरकार अलर्ट है। 24 घंटे में 2 लाख से ज्यादा कोविड टेस्ट हुए हैं। जी हां दोस्तों, 24 घंटे में देश भर में कोरोना वैक्सीन के 48,292 खुराक दी गई है। भारत का सक्रिय केस लोड इस समय लगभग 2570 है, यानी आपको बता दें। तो इसके अलावा रिकवरी रेट 98% है, यानी कोई दिक्कत की बात नहीं। एक दिन में 187 लोग ठीक हुए हैं और कोरोना के केस लगभग 173-180 आसपास आ रहे हैं। लेकिन इस बीच सरकार ने 2 लाख कोविड टेस्ट किए हैं, यानी आने वाले समय में सरकार इसके लिए पूरी तरफ से अलर्ट है। हालांकि एक्सपर्ट का मानना यही है कि कोरोना की वेव आना तय है। वही बात कर ले राशन कार्ड धारकों को फ्री राशन का, तो आपको 6 जनवरी से राशन मिलना शुरू हो जाएगा। जी हां, अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले से आते हैं, वैसे हम आपको बता दें सुल्तानपुर जिला, सीतापुर जिला, अयोध्या जिला या लखनऊ में अब आपको राशन मिलना शुरू हो जाएगा। 6 जनवरी से आपको राशन मिलेगा, जो लगभग 20 जनवरी तक दिया जाएगा। जी हां दोस्तों, नवंबर के सापेक्ष आवंटित रेगुलर राशन का निःशुल्क वितरण करने का आदेश है। इसका वितरण 6 जनवरी से 16 जनवरी तक किया जाएगा। अंत्योदय कार्ड धारकों को 35 किलोग्राम यानी 14 किलो गेहूं, 21 किलो चावल मिलेगा। वहीं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 5 किलोग्राम राशन मिलेगा, जिसमें एक व्यक्ति को 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल दिया जाएगा। यानी अगर आप एक राशन कार्ड धारक है तो आपको पूरा राशन मिलेगा, फ्री मिलेगा। ये नवंबर का राशन है जो आपको दिया जा रहा है। इसमें साफ साफ लिखा है नवंबर के सापेक्ष रेगुलर राशन दिया जा रहा जो निःशुल्क होगा। एक बड़ा अपडेट है, यानी नवंबर का राशन भी जो सीएम योगी वाला है वो भी अब आपको फ्री मिल रहा है। बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अब आपको बता दें तो 14 जनवरी तक 12वीं तक के स्कूल बंद है। हालांकि ये कुछ जिलों में फैसले लिए गए हैं और कुछ जिलों में आना बाकी है। स्कूली बच्चों के लिए बड़ी खबर आ गई है, क्योंकि शीतलहर की स्थिति और बढ़ती देख कोहरे को देखते हुए आखिरकार नोएडा और गाजियाबाद में कक्षा 8 तक के सभी स्कूल 14 जनवरी तक बंद है। हालांकि अब आपको बता दें, आपको अब अपने जिले का इंतजार नहीं करना, क्योंकि शिक्षा निदेशालय ने निर्देश दे दिया है, यानी पूरे उत्तर प्रदेश में 14 जनवरी तक विद्यालय बंद रहेगा। दिल्ली में इस दिन तक बंद रहेगा स्कूल। उत्तर भारत इस समय ठंड और कोहरे की भारी चपेट में है। यही कारण है कि पहाड़ों पर हो रही भारी बर्फबारी से उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। अब आप देख लीजिए आप कहां कहां पे विद्यालय बंद है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 12वीं तक स्कूल बंद हो गया है 7 जनवरी तक। इसमें एक हफ्ते और बढ़ा दिया गया है, इस विद्यालय में छुट्टी और रहेगी। इसके अलावा हाथरस में भी विद्यालय नर्सरी से लेकर 12वीं तक 10 जनवरी तक बंद है। हालांकि जैसे ही 10 जनवरी आने वाली रहेगी, डेट एक बार फिर से बढ़ जाएगा। मैनपुरी में 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक विद्यालय बंद है। मेरठ में विद्यालय बंद है, कौशाम्बी में विद्यालय बंद है, चंदौली में विद्यालय बंद है, वाराणसी में 12वीं तक के स्कूलों को बंद किया गया है, प्रयागराज में 8वीं तक के स्कूल बंद किए गए हैं। लेकिन अब 12वीं तक का फैसला आ गया है। कड़ाके की ठंड को देखते हुए उत्तर प्रदेश में शिक्षा निदेशालय ने निर्देश दे दिया है, 8वीं तक के कोई भी स्कूल अब नहीं खुलेंगे। कोई भी विद्यालय हो, प्राइवेट हो, सरकारी हो, सभी बंद रहेगा। वहीं पर अपने हिसाब से डीएम ने भी निर्देश दिया है, कई जिलों में चाहे बनारस हो, लखनऊ हो, कानपुर हो, हाथरस हो या फिर सीतापुर, सुल्तानपुर हो, हर जगहों पर 12वीं तक के विद्यालय बंद किए गए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, तो मुफ्त राशन के साथ अब फ्री में देखिए टीवी, क्योंकि केंद्र सरकार उठाएगी इसका खर्च। जी दोस्तों, केंद्र सरकार की ओर से आम जनता की जरूरतों को पूरा करने के लिए कई तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं। अब आप भी फ्री में टीवी देख सकेंगे। आप इसमें देख सकते हैं केंद्र सरकार की ओर से आम जनता की जरूरतों को पूरा करने के लिए कई तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं। इस बीच मकान देने के साथ अब सरकार ने फ्री में डिश टीवी देने का फैसला लिया है। दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो की स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। 2,539 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। मोदी सरकार की कैबिनेट में फैसला लिया गया है, दूरदर्शन ऑल इंडिया रेडियो की स्थिति सुधारने के लिए लगभग ये खर्चे आएंगे। फ्री में डिश मिलेगा। वही बैंक निजीकरण को लेकर आई बड़ी खबर, क्या पीएनबी एसबीआई जैसे बैंक हो जाएंगे प्राइवेट, जानिए क्या पूरा डिटेल है। आपको बता दें, नीति आयोग की तरफ से बड़ा अपडेट सामने आया है। इन बैंकों का सरकार नहीं करेगी प्राइवेटाइजेशन। जी हां, आपको नीति आयोग में कुछ ऐसे बैंकों की लिस्ट जारी की गई है जिसको आपको जान लेना है। सरकार निजीकरण नहीं करने वाली इन बैंकों का, जिसमें पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, केनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक शामिल है।
वही इस बीच अगर आप मकर संक्रांति के समय में कहीं यात्रा करने जा रहे हैं तो जरा ध्यान दीजिए, क्योंकि मकर संक्रांति मेला के लिए चलेंगी 2 स्पेशल ट्रेनें। यहां देखिए पूरा शेड्यूल, आपको बता दें गोरखपुर नौतनवा अनारक्षित मेला स्पेशल गाड़ी 14 से 17 जनवरी तक गोरखपुर से दोपहर 2:30 बजे से प्रस्थान करेगी और शाम 5:15 बजे नौतनवा पहुंचेगी। नौतनवा गोरखपुर अनारक्षित मेला स्पेशल 13 से 16 जनवरी तक नौतनवा से रात 8 बजे प्रस्थान करेगी और गोरखपुर लगभग 11 बजे तक पहुंचेगी। वही दिल्ली के लिए सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा जी, आपको बता दें 2.8 डिग्री तक लुढ़क गया पारा। मौसम विभाग ने जारी किया है रेड अलर्ट। मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों तक दिल्ली सहित NCR क्षेत्र में घना कोहरा छाया रहेगा और वहीं विभाग में 7 जनवरी तक शीतलहर चलने से सर्द दिन रहने का रेड अलर्ट जारी किया गया है। अच्छा, इसके साथ ही पठान मूवी की दीपिका का भगवा बिकनी पर चल गया सेंसर बोर्ड की कैची, इतने बदलाव के बाद मिला है UA सर्टिफिकेट। या दोस्तों, शाहरुख खान की फिल्म पठान काफी दिनों से चर्चा का विषय बनी हुई है। फिल्म के टीजर रिलीज होने के बाद ही फिल्म सुर्खियों में है। इसके बाद इसका गाना रिलीज हुआ बेशरम रंग, उस पर भी जमकर बवाल हुआ। इससे दीपिका पादुकोण की बिकनी के रंग पर आपत्ति जताई गई और लोगों का कहना था कि इस गाने को दीपिका की बिकनी का रंग या तो बदल दिया जाए या पर उस सीन को सेंसर बोर्ड की कैंची चले। तो अब पठान साल 2023 की पहली फिल्म बन गई है जिस पर सेंसर बोर्ड ने कैंची चला दी है। वही छोटा जानवरों की समस्या से मिलेगी राहत, सीएम योगी का निर्देश, गौशालाओं के लिए बनाए जाएंगे सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता को छोटा जानवरों की समस्या से छुटकारा दिलवाने के लिए सेल्फ सस्टेनेबल गौशाला का मॉडल बनाने और इसके लिए इच्छुक NGO व MU को निर्देश दिया है। वही यूपी के अधिकांश जिलों में राशन वितरण शुरू हो गया है। जिले के 24 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को बलिया में 1435 सरकारी राशन की दुकानों में वर्ष भर में निशुल्क गेहूं चावल मिलेगा। इसके लिए DSO रामजतन यादव ने कोटेदारों को जरूरी निर्देश दे दिया है। शासन से हुई घोषणा के अनुसार उपभोक्ताओं ने स्वागत किया है। उनका कहना है कि 9 वर्ष में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को बड़ा तोहफा मिला है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सब्सिडी युक्त अनाज हासिल करने वाले उपभोक्ताओं को सरकार ने बड़ी राहत दी है। नए साल से तोहफा मिल रहा है, पूरे साल तक मिलेगा। लगभग 24 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं को इसका फायदा मिलेगा। सरकारी राशन की दुकान पर गेहूं चावल अब फ्री दिया जाएगा। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था जो आपके साथ शेयर किया गया है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। ऐसी जानकारी, ऐसे अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।